नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल थिंक वॉश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप अगर एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो आपको ये चीज पता होगा कि गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन कोड आता है, लेकिन वो कब आता है और उसका क्या प्रोसेस है, उससे पहले एक जो प्रोसेस है वो फॉलो करना होता है। तो इस वीडियो के साथ पूरा बने रहे दोस्तों, आपको आज हम गूगल एडसेंस के रिलेटिव सारी चीज बताएंगे। और आपने अगर अभी तक टेक्निकल थिंक वॉश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करने के बाद ही हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चलिए हम शुरू करते हैं कि गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन कोड आने से पहले हमें क्या प्रोसेस करना होता है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप ये प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आपका गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन कोड नहीं आएगा, जो कि आपको देखिए, ये मेरा गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन कोड है। तो सबसे पहले इसको बता दें कि गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन कोड कब आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जब आपका $10 प्लस हो जाएगा तभी आपका यहाँ पे गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन कोड आता है। वो $10 कहाँ पे शो होगा, अगर आप यूट्यूब क्रिएटर में जाके वहां पे देखते हैं तो आपका $10 है, तो ऐसा नहीं कि आपका $10 हो गया और आपका वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, वो ऐसा नहीं। आपको गूगल एडसेंस में $10 होना चाहिए, जो आप पिछले मंथ यानी दिसंबर में जो आपने अर्निंग किया है वो आपको जनवरी में जाके गूगल एडसेंस में जाएगा। तो आपको जाने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको मैसेज शो करने लगेगा। यहाँ पे आप जैसा देख रहे होंगे, योर पेमेंट एरिया करेंटली ऑन होल्ड, एक्शन द रिक्वेस्ट टू रिलीज पेमेंट। तो इस तरह से आपको एक मैसेज आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे मैसेज नहीं दिखाई देता है तो यहाँ पे बेल का नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में यहाँ पे आप योर पेमेंट एरिया कंडीशन होल्ड एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट रिलीज पेमेंट, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक्टिव करना है। और देखिए, एक्टिव करने के बाद आपके पास क्या मांगा जाएगा, तो ये जब तक प्रोसेस को आप फॉलो नहीं करते हैं, जब तक आपका एडसेंस वेरिफिकेशन कोड नहीं आएगा। तो देखिए, वेरिफिकेशन योर आइडेंटिटी टू रिसीव्ड पेमेंट, यानी आपको यहाँ पे जो है अपना एड्रेस प्रूफ जो है यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या खोजता है। तो देखिए, यहाँ पे आ गया है वेरिफिकेशन योर आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आपको दिखा देगा, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है हम अपना वोटर आईडी कार्ड अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि उस पर हमारा एड्रेस भी होता है, डेट ऑफ बर्थ भी होता है और हमारा फोटो भी होता है, तो सारा चीज होता है। तो हम यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे जो है अपना आधार कार्ड सॉरी वोटर आईडी कार्ड को हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो आधार कार्ड है वो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का बना हुआ है, और जो इसमें मैंने एड्रेस डाला है वो मैं अपना प्रॉपर गांव का एड्रेस डाला है। तो मैं यहाँ पे एड्रेस वही वेरीफाई करवाऊंगा, मैं जो मेरा परमानेंट एड्रेस है। तो देखिए, यहाँ पे अपलोड फोटो आईडी पे क्लिक करना है। अपलोड फोटो आईडी पे क्लिक करने के बाद आपको जो है जो जहाँ पे फोटो आपने रखा होगा वहां पे आपको दिखा देगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हम डेस्कटॉप पे ही रखे थे, तो हम डेस्कटॉप पे यहाँ से आ जाते हैं, और डेस्कटॉप पे आने के बाद हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये मेरा फोटो है, तो इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ और इसका आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपना जो ये अपना वोटर आईडी कार्ड है, इसको मैं आपको दोनों जो मैंने स्कैन किया है दोनों को एक पेज में इकट्ठा कर लिया है, और एक पेज में ज्वाइन करने के बाद मुझे इसी को अपलोड करना है। तो देखिए, इस पे क्लिक रखते भर में मुझे यहाँ से ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से कुछ अपलोडिंग में जाएगा, और एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है दोस्तों, वो आपको ये अपलोडिंग के बाद हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए, मेरा फोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। आप वहीं पे आप नीचे में देख रहे होंगे नेम एंड होम एड्रेस, तो आप यहाँ से प्रॉपर अपना जो एड्रेस है उसको मैच कर ले। यहाँ पे देख रहे होंगे पिन का एक निशान बना हुआ होगा, और यहाँ पे आप जाके आप प्रॉपरली देख ले कि आपका जो आईडी प्रूफ आप अपलोड कर रहे हैं उससे बिल्कुल मैच करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं मैच करता है तो आप यहाँ से जाके एडिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से करने के बाद और यहां से आपको कट कर देना है, और कट करने के बाद ये आपका अपलोड हो चुका है।
तो दोस्तों ये आपको बार बार नहीं करना है, आपको कुछ लिमिट टाइम इसमें दिया जाता है। और उस आपको अगर यहाँ पे मैसेज अभी तक नहीं शो करता है तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। इंतजार करने के बाद आप अपना मेल आईडी चेक करते रहें। मेल आईडी पे आपको इस तरह से गूगल योर नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी इस तरह से एक मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा, जहां से आप प्रॉपरली चेक कर पाएंगे कि मेरा एडसेंस में वेरिफिकेशन के लिए आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है या अभी नहीं जा रहा है। अगर नहीं मांगा जा रहा है तो आप अभी कुछ दिन वेट कर लीजिए, आपको जल्द ही आपको मेल आ जाएगा। और वहां पे आप जाएंगे तो आपको गूगल एडसेंस में जाएंगे तो यहां पे आपको एक्टिव का मैसेज भी आपको आज शो कर जाएगा। तो दोस्तों मुझे ऐसा आशा लगता है कि आपने पूरे वीडियो को समझ लिया होगा, पूरा प्रोसेस को समझ लिया होगा। अगर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन रह गया है अभी भी तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं, मैं उसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को अगर अच्छा लाइक और सपोर्ट मिला तो गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन कोड भी आएगा, तो मैं उसका भी आप लोग को वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।